hello students in previous video we have revised lesson number 6 and now today we will revise the exercise and question answers of this lesson so first of all fill ups and i want to tell you that in exams your fill exercises that is fill ups match ups true false and multiple choice questions these all uh, will be कवर द फिफ्टी परसेंट मार्क्स राइट सो इनको आप बड़े अच्छे से लर्न uh, करेंगे रिवाइज करेंगे एंड जो लेसन को भी आप अच्छे से लर्न करेंगे सो so दैट अगर इन बिटवीन कोई क्वेश्चन uh, पूछ लिया जाए सो यू कैन इजिली आंसर इट सो आप ये एक्सरसाइजेस और लेसन्स अच्छे से रिवाइज करेंगे सो so, स्नेक्स

बिकॉज़ फिलप्स में आपकी स्पेलिंग्स जो है उसमें मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इन मैचअप इन ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज उसमें क्या होता है कि आपके आंसर्स ऑलरेडी गिवन होते हैं राइट बट इन आंसर्स आर नॉट गिवन जो आपके हेल्प बॉक्स भी नहीं होता है साइंस में यू नो सो आपने इनकी स्पेलिंग्स जरूर अच्छे से याद करनी है ना जिराफ फीड्स ऑन डैश प्लांट्स ओनली सॉरी ऑन डैश ओनली सो जिराफ़ क्या खाता है दे ट्रीट्स प्लांट्स ओनली सो जिराफ सिर्फ प्लांट्स खाता है इट इज अर्बी बोरस एनिमल्स सो नेक्स्ट इज फ्रॉग हैज अ डैश टंग सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टंग ऑफ द फ्रॉग ऑल्सो इट हैज अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग उसी कैसी होती है लॉन्ग भी होती है और एज वेल एज स्टिकी भी होती है सो फ्रॉग हैज अ स्टिकी टंग एंड डैश दियर फूड फर्स्ट एंड देन इट सो च्यू तो ऑलरेडी गिवन है कि ये च्यू करती हैं बट पहले क्या करती है दे निबल दियर फूड बफलोज निबल दियर फूड फर्स्ट एंड देन च्यूएट वी है च्यूंग ऑफ कड जो टॉपिक था हमारा तो उसमें हमने डिस्कस किया था दैट बफ्लोज नेबल दर फूड फास्ट एंड देन लेटर ऑन व्हेन दे गेट रिलैक्स दे ब्रिंग बैक द पार्ट ऑफ द फूड फ्रॉम इनसाइड एंड देन दे च्यू इट प्रॉपरली राइट नाउ बटरफ्लाई डैश दर फूड जैसे यहाँ पर स्नेक था स्नेक डैश दर प्रे स्नेक तो क्या करता है स्वेलो करता है बट But बटरफ्लाईज क्या करती है यू नो दैट बटरफ्लाई सक्स द नेक्टर नेक्टर मीन्स जो फ्लावर्स में लिक्विड होता है स्वीट जूस होता है उसको वो क्या करती है सक करती है सो बटरफ्लाई सक इट्स फूड बटरफ्लाई सक इट्स फूड एंड हैज शार्प फ्रंट डैश लाइक टीथ उसके शार्प होते हैं फ्रंट टीथ किसके जैसे होते हैं इट इज जस्ट लाइक अ चिजल चिजल एक टूल uh, होता है जिसको हम छिलने के लिए यूज करते हैं तो दैट इज अब हम हिंदी में छैनी भी बोलते हैं और हेल्प ऑफ हैमर उसको मारते हैं हम चिजल को तो उससे कोई भी चीज हम छिल सकते हैं सो स्क्ल हैज शार्प फ्रंट चिजल लाइक टीथ एंड नेक्स्ट इज मैच द कॉलम सो मैच द कॉलम इज वेरी इजी बिकॉज हेयर आपने uh, क्या करना है सिर्फ मैचिंग करनी है आंसर आर ऑलरेडी गिवन आपने अगर लेसन अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है देन यू कैन इजिली आंसर द मैचअप्स तो आपने जो फिलअप्स uh, है उनको अच्छे से लर्न करने है विद स्पेलिंग नाउ मैच द फॉलोइंग स्नेक तो यहां पर ये आपको डिफरेंट एनिमल्स दिए हैं और ये क्या खाते हैं It is on the other side. So, snake eats frog, monkey eats banana, lion eats deer, elephant, sugarcane. So, these are uh, this is very easy matchup. Next is your uh, MCQ multiple choice question. So, tick the correct option the animal that eats both plant and animal. So, first of all, what type of animal are those uh, which eats both? plants and animals that are omnivorous animals so out of these four uh, animals you have to find out that which animal eats both plants and animals so tiger you know tiger is a carnivorous animal eat only uh, other animals cow only eat grass and rat rat can eat grains as well as the other uh, small animals like insects also. And horse. Horse is again herbivorous animals. It, on, it only eats grass. So, rat is the correct answer. Dog tears the flesh with. So, you know. Who the dog hai, wo kis se tear? Who will tear the flesh? Hai? So, obviously with the help of teeth. But with which type of teeth? Chisel teeth. सो चिजलिंग लाइक टीथ तो किसके होते हैं हमारे ग्नोइंग एनिमल्स के लाइक स्कोर उनके होते हैं चिजल लाइक टीथ यार ग्राइंडिंग टीथ सो ग्राइंडिंग टीथ तो चीव करने के लिए यूज होते हैं नॉट फॉर टीयरिंग देन पॉइंटेड टीथ एंड ट्यूब सो यस पॉइंटेड टीथ जो शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं दैट इज यूज टू टीयर द फ्लैश एंड ट्यूब ट्यूब जो है वो डॉग्स की नहीं होती है ट्यूब किस कौन यूज करते हैं हमारे बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज यूज द ट्यूब नाउ पोल्ट्री बर्ड्स शुड बी फेड विद पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हैन डक्स तो ये हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं हमें उनको क्या खाने को देना चाहिए ग्रीन ग्रास फ्रेश फ्रूट मिल्क और ग्रेन्स सो दे डोंट ईट ग्रास फ्रेश फ्रूट्स भी uh, वो नहीं खाते एंड मिल्क मिल्क भी नहीं पीते सो व्हाट दे ईट इज ग्रेन्स सो उनको हमें क्या देना चाहिए ग्रेन्स एंड नेक्स्ट इट इज अ हर्बीवोरस एनिमल सो आउट ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड आउट द टेक द हर्बीवोरस एनिमल्स व्हाट आर हर्बीवोरस एनिमल्स एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स सो फॉक्स सो दिस इज वेरी इजी Cow is a herbivorous animal that you all know. Now answer the following questions. What are carnivorous animals? So carnivorous animals concern we have discussed three types of animals: herbivorous, carnivorous, and omnivorous. So carnivorous animals are those which eat only other animals. That means flesh. So, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ मीट खाते हैं अदर एनिमल्स को मार के खाते हैं सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स नेम द काइंड ऑफ टीथ दैट हेल्प अ काउ टू च्यू द ग्रास सो काओ के कौन से uh, किस टाइप के टीथ होते हैं जो वो अपने uh, ग्रास को च्यू करने के लिए यूज करते हैं सो दे हैव ब्रॉड बैक ग्राइंडिंग टीथ सो च्यू करने के लिए जनरली वी ऑल्सो यूज वी हैव ग्राइंड जो हमारे बैक टीथ होते हैं वो भी वो किस लिए यूज होते हैं ग्राइंड करने के लिए सिमिलरली ऑल्सो है चौड़े होते हैं और पीछे होते हैं वो ब्रॉड बैक ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द ग्रास next is name two animals which gnaw their food so gnaw means gnawing animals we have discussed so you have to write the two examples so uh, rabbit and rat rabbit and rat are the two examples and then your name the type of teeth that squirrels have so which type of uh, teeth uh, do squirrels have uh, that we have also discussed in uh, phillips phillips maybe same question tha. squirrels have has sharp front ja dash like teeth so that is what we have to write so squirrels have sharp front chisel like teeth what uh, name the type of teeth that squirrels have the squirrels have sharp front chisel like teeth name two more animals having same type of teeth so दिस क्वेश्चन इज से ऑल्सो सेम जो हमारा थर्ड का आंसर था उसी वही हमने लिखना है बिकॉज क्वेर इल्सो अ ग्रोइंग एनिमल्स टू ग्रोइंग एनिमल्स यू कैन राइट सो यू कैन राइट रेबिट एंड रेट दे ऑल्सो हैव सेम टाइप ऑफ टीथ एंड दे आर ग्रोइंग एनिमल्स सो नेक्स्ट वीडियो रिवाइज दीज लॉन्ग क्वेश्चन एंड स्टार्ट द रिविजन ऑफ अदर लेसन In our next video. Thank you.